ये सारे काम छोड़, आज से तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखो तो जरा कितनी भोली बनके दिखा रही है, जैसे कुछ जानती नहीं है। तू अच्छे से जानती है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं तुझे? और जब तुम्हें अपना ही नहीं समझती तो हम क्यों रखे तुझे काम पर? अरे हम ही पागल है जो अभी तक इसको अपने घर का सदस्य समझते थे। दीदी भैया, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो आप लोग मुझसे इतना नाराज हो गए हो? मुझे ये बता, ज्वेलर्स के पास क्या करने गई थी तू? हाँ जी भाई साहब, हो गई मेरी अंगूठी तैयार। बस भाई साहब एक दिन और दे दो, वो लड़का गांव गया हुआ था ना, तो कल तक करवा दूंगा आपका। चलिए ठीक है, कल तक करवा देना पर पक्का। जी भाई साहब। वैसे भाई साहब आपके यहाँ जो नौकरानी काम करती है ना, उससे बोल देना आज की जगह कल आ जाएगी पैसे लेने। नौकरानी? पैसे किस बात के पैसे? हाँ वो मंगलसूत्र गिरवी रख के गई थी ना अपना। मैडम 50,000 की वैल्यू है, आपको 40,000 मिल जाएगा गिरवी रख के। जी ठीक है साहब। तो फिर आज तो पैसे नहीं हो पाएंगे, आप एक काम करना कल आ जाना। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बोल दूंगा मैं उसे। मुझे लगा तू कुछ भी करती रहेगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे एक बात बता, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ेगी कि तुझे अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ गया? कुछ पूछ रहे हैं भैया तुम्हारे, जवाब दो। माफ कर देना, मैंने आप दोनों को नहीं बताया, पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ महीनों से ना मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था, फिर वो दर्द बहुत बढ़ गया। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो बताया कि मेरे सर में ना खून जम गया है। बस दीदी उसी के इलाज के लिए मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। तो तूने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि दीदी मैं आप लोगों का और एहसान नहीं ले सकती थी, आपने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है। जब मेरे पति बीमार हुए थे, अपाहिज हो गए थे, तब आप लोगों ने उनका इलाज कराया था। आज आप दोनों की वजह से मेरे बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं, वरना मैं तो कहाँ इतनी काबिल हूँ कि उनको स्कूल में भेज पाती। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मेरा तो सब बर्बाद ही हो गया था। मैं क्या करती दीदी, मैं और एहसान नहीं ले सकती थी आप लोगों का। तो तुझे ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी किया तेरे लिए उसका तेरे ऊपर एहसान है? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा तेरा एहसान है हमारे ऊपर। अगर तू नहीं होती ना तो मैं अपनी जॉब कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाती। तेरी वजह से ना आज घर में सब कुछ ठीक टाइम पे हो जाता है और मैं खुशी खुशी अपनी जॉब कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तो मैं ऑफिस होती हूँ, तू ना इस घर को घर बना के रखती है। मार्केट से सामान लाना हो या बंटी की देखभाल करनी हो, वो सारे तू ही तो देखती है। तेरी वजह से ना आज मैं टेंशन फ्री हूँ कि घर पे कोई तो है संभालने वाला और मैं आराम से जॉब कर पा रही हूँ, वरना तो मैं कभी करती नहीं। और हमने तुझ पे ना कोई एहसान नहीं किया है, हम तुझे अपना परिवार मानते हैं। परिवार में ना एहसान नहीं, मदद होती है। और अगर तुम हमारी मदद लेने से मना करती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों को मैं अपना परिवार ही मानती हूँ। तो ठीक है फिर, तेरे ऑपरेशन का जितना भी खर्चा आएगा ना वो हम लोग उठाएंगे। लेकिन भैया। क्या लेकिन? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर तू अपने दिल से हमें दीदी भैया मानती है ना तो तेरे सारे ऑपरेशन का खर्चा हम लोग उठाएंगे, समझी? और तेरे साथ कल हॉस्पिटल चल के डेट भी फिक्स कराएंगे ऑपरेशन की। ठीक है दीदी। और हाँ, तुम्हारा मंगलसूत्र मैं ज्वेलर से ले आया था। और अब इस मंगलसूत्र को संभाल के रखना, ना ही कभी इसे गिरवी रखना और ना ही कभी बेचना, समझे? आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ अब घर जा और यहाँ पे तभी आना जब ऑपरेशन हो जाए, अपना ख्याल रख।